हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार का, तारीख है 29 जनवरी। टाइम हो रहा है दोपहर के करीब, बज रहे हैं 3:30। 3:30 के आसपास का ही टाइम है, अभी पूरे 3:30 नहीं हुए हैं। तो बस हम लोग आज जा रहे हैं शादी में। तो मैंने आपको बताया भी था कि जिनके मैं शादी के कपड़े रेडी कर रही थी ना, उनकी शादी है आज। तो बस रात की शादी है, तो हम लोग बस अभी निकल रहे हैं। आज उर्वी का बर्थडे भी है, उर्वी ने 9 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने। तो उर्वी को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। तो आज उर्वी ने 9 ईयर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन इसका बर्थडे ना हमेशा ही ऐसा होता है, लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि बुआ जी के लड़के की शादी थी तो हम लोग वहाँ चले गए थे, और आज भी जो है ना शादी है तो हम लोग को जाना है वहाँ पर। तो अभी मम्मी के यहीं जा रहे हैं पहले, क्योंकि मम्मी के वहीं गली में, मायके में ही शादी है, तो हम लोग वहीं निकल रहे हैं और वहाँ जाते हैं। देखते हैं, अगर सिचुएशन ठीक होगी तो इसका बर्थडे वहीं मनाएंगे हम लोग। तो बस मैं तो यहीं, मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, मतलब साड़ी वगैरह मुझे डालनी है, तो वो मैं घर वहीं जाके डालूंगी। तो अभी तो कमरा जो है ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और हम लोग बस अब निकल रहे हैं क्योंकि शादी है, करीब रात को 7 बजे की बारात है, और मैं भी जल्दी आ सके। तो बस अभी यहाँ पर धैर्य को पूरी तरह रेडी कर दिया है, ये देखिए। लेकिन उर्वी और काव्य वहीं जाके रेडी होंगी, क्योंकि अभी मैंने इनको जैकेट्स थोड़ी मोटी मोटी से पहना दी है, क्योंकि ठंड ज़्यादा है और हम लोग जा रहे हैं बाइक। तो बस जैसे ही वहाँ पहुँची ना, वहाँ पे मतलब जैसे चाक पूजन होता है ना, वो हो रहा था। करीब 7 और मैं हो गई हूँ यहाँ पर आकर रेडी। तो हम लोग पहुँच गए थे, मतलब करीब 5 बजे करीब हम लोग पहुँच गए थे। बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पर देखिए साड़ी मैंने डाल ली है ये, और ये वाली साड़ी मतलब प्लानिंग कुछ और थी कि कुछ और मुझे पहनना है, तो बस मैं साड़ी रख कर लेकर आ गई थी। बस कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो अभी पहले जो है ना केक कटिंग होगी, और मतलब उर्वी की केक कटिंग होगी, मम्मी ने केक उसका मंगा दिया है। तो बस केक की तैयारी चल रही है वहाँ पर, केक कटिंग होगी, फिर उसके बाद जस्ट हम लोग जो है ना कन्यादान वगैरह, खाना वगैरह खा के हम लोग जल्दी से निकलेंगे, क्योंकि हमको आज ही वापस जाना है। मैंने बताया भी था क्योंकि मुझे स्कूल से ऑफ नहीं मिल पाया, क्योंकि कल एग्ज़ाम है बच्चों के स्टार्ट है ना, तो बस इसी वजह से। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं रेडी तो हो गई हूँ, और बस अभी निकल रही हूँ देखिए। और ये साड़ी नेट की है, ये मैंने पहले भी डाली हुई है, और एक फंक्शन में मैंने आपको फिर पहले भी दिखाई थी ये। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि उस टाइम पे सर पे पल्लू था और आज नहीं है। तो आज कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए केक कटिंग वगैरह का मैं सब आपको दिखा देती हूँ, क्या प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे। तो बस वो लोग तैयारी कर रहे हैं नीचे, उर्वी के पापा वगैरह, बस मैं ऊपर यहाँ पे। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे उर्वी बेटा। ले टोपा तो उतार दे पापा वाला, चल कट कर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो बस यहाँ पर बच्चे का मन रह गया था, और कटिंग वगैरह करा दिया था केक, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा। और बस यही है कि हाँ, बच्चे का हर बार मन ही रह जाता है, अगर मैं नहीं कट कराती ना केक तो उसका मन ही रह जाता। तो बस यहाँ पे जो है ना केक खिला रही थी उर्वी सबको, और हम लोग जो है ना निकल गए थे बस अभी शादी के लिए, क्योंकि कहते थे कि ज़्यादा जल्दी आने वाली है बारात वगैरह भी। तो जी बस आज उर्वी ने 9 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं अपने, और धीरे धीरे टाइम इतना बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता। और हमारी शादी की एनिवर्सरी भी अभी आने वाली है, तो हम 10 साल पूरे कंप्लीट कर लेंगे अभी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं रेडी हुई ना, तो बस कपड़े वगैरह ज़्यादा फेल वेल से गए थे, तो हमें रात को ही निकलना था, इसी वजह से हम लोग जो है ना थोड़ा सा जल्दी चले गए थे। तो जी बस अभी हम लोग निकल रहे हैं शादी के लिए, तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे, और यहाँ पे डेकोरेशन जो है ना स्टार्ट पूरी कंप्लीट भी हो गई थी, और बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन की हुई थी। टेंट वगैरह का सारा, मतलब डीजे वगैरह का सारा इंतज़ाम था यहाँ पर, और डेकोरेशन मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि जितनी खुले एरिए में डेकोरेशन हो जाती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है।
तो जी डेकोरेशन में स्टार्टिंग में जस्ट सामने ही जो है ना डीजे था, और डीजे हो और मैं ना नाचूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है डांस वगैरह। और यहाँ पे जो है ना खाना वगैरह सब स्टार्ट था, लेकिन अभी तक जो है ना लोग ज़्यादा आए नहीं थे। तो जो भी मतलब पुरानी फ्रेंड्स वगैरह है ना, वो भी अभी तक नहीं आई थी। तो मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर मतलब टाइम थोड़ा सा पास करने के लिए ना मैं थोड़ा सा डांस वगैरह करने लग गई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना वीडियो थोड़ा सा मतलब स्पीड बढ़ा दी थी, वही इसी वजह से, क्योंकि क्या है ना वीडियो की लेंथ थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई थी। और यहाँ पे जो है ना बस फटाफट से हम लोगों ने थोड़ा बहुत डांस किया, जस्ट उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने। डांस वगैरह सब हो गया था, तो अभी आई थी खाने की बारी। तो मैंने यहाँ पर अपना खाना ले लिया था, और मैंने नहीं लिया, ये मेरी बहन लेकर आई थी। और देखिए सारी सब्जी एक साथ मिक्सअप करके ले आई थी, और मुझे यही नहीं समझ आ रहा था मैं खाऊं क्या, क्योंकि हम दोनों बहनें मतलब एक साथ बैठी थी ना खाना खाने के लिए। तो बस ये भी मेरे साथ ही ले आई थी खाना। और यहाँ पर देखिए एक ही प्लेट में चाप की सब्जी भी थी, और छोले थे, मटर पनीर थी, फिर बाद में ये अलग से अपनी प्लेट ले आई और मेरे लिए कुछ ऐसे लेकर आई। तो ये देखो फिर भी मेरे को खाना पड़ा, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जी बस यहाँ पे जो है ना बस खाना वगैरह खाया, जस्ट उसके बाद मैं दोबारा से आ गई थी डीजे पे, और मतलब थोड़ा बहुत खाना खाया, और फिर से उसके बाद ये मन कर रहा था कि हाँ डीजे पे डांस करना है। तो जी मैं डांस कर रही थी यहाँ पे, और एज यूजुअल हमेशा की तरह आपको गाना खुद ही गेस करना होगा, क्योंकि मैंने गाने का जो वॉल्यूम था ना वो बिल्कुल माइनर में कर दिया था। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है ना बस मैं और काव्या डांस कर रहे थे, पीछे उर्वी भी डांस कर ही रही थी। तो बस जी डांस करते करते ना मेरा पैर ऐसा मुड़ा, क्योंकि मैंने हील्स पहनी हुई थी ना, और बहुत ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से पैर जो है ना मुड़ गया, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना उस चीज़ को हवा में ही उड़ा दिया। मतलब ये लगा कि ज़्यादा माइंड नहीं किया इस चीज़ को, चलो कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है। तो जी बस यहाँ पे डांस वगैरह किया, फिर उसके बाद जस्ट बारात भी आ ही गई थी। बस डांस वगैरह करने के बाद हम लोग को निकलना था, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा ही हो गया था, करीब 9:30 बज गए थे। और बारात आ गई थी लेकिन दुल्हन अभी तक नहीं आई थी, और मेरा बहुत मन था कि मैं मतलब दुल्हन से मिल के ही जाऊँ और एक फ़ोटो तो कम से कम लेके ही जाऊँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, एग्ज़ाम ही है, और जाना नहीं है। Thank you.
लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो जी बस बारात आ गई थी, जस्ट उसके बाद हम लोग भी निकल गए थे, और इसी के साथ ये वाला वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तो जी वीडियो में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलते हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।